नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स, जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल्स से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं पहली चोट नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का 6वां पार्ट। ले जाओ इसे, बंसीलाल ने कड़वे स्वर में कहा। उस व्यक्ति ने रिवॉल्वर सोहनलाल की कमर से लगाई और बाहां पकड़कर उसे बाहर लेता चला गया। गैलरी में स्टाफ का ही एक आदमी सामने पड़ा, लेकिन उसने ये सब होता देखकर परवाह नहीं की। जैसा ऐसा होना उसके लिए मामूली बात हो। सोहनलाल के लिए वो एक दरवाजे के सामने ठिटका। दरवाज़ा खोलो, सोहनलाल ने दरवाज़ा खोला तो वो उसे धकेलता हुआ भीतर ले गया। ये कमरा प्राइवेट किचन बना रखा था, बहुत साफ सुथरा, और ज़रूरत का हर सामान वहाँ पर मौजूद था। एक तरफ दीवार में लकड़ी की बहुत बड़ी अलमारी लगी थी। लकड़ी के पल्लों के सबसे ऊपर लगे शीशों में से भीतर रखे कप, प्लेट और केतली नजर आ रहे थे। दोनों उस अलमारी के पास पहुँचे। अलमारी खोलो, सोहनलाल की कमर से रिवॉल्वर लगाए वो व्यक्ति कठोर स्वर में बोला। मेरे से चाय बनवाओगे क्या? सोहनलाल बचने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति पूरी तरह से सावधान था। जो कहूँ वो कर, सोहनलाल ने लकड़ी की अलमारी का पल्ला खोला। अलमारी में कोई खाना नहीं था, ऊपर जगह थी वहाँ जहाँ रखे कप, प्लेट बाहर से ही नजर आ रहे थे। सामने सपाट सी दीवार थी। कमर से रिवॉल्वर लगाए उस व्यक्ति ने भीतर हाथ डालकर साइड में लगा छोटा सा बटन दबाया, तो अलमारी के भीतर वाली दीवार बीच में से अलग होकर दाएं बाएं सरक गई। वो लोहे के मजबूत पल्ले थे जिस पर दीवार जैसा पेंट किया हुआ था। पल्लों के सरकते ही नीचे सीढ़ियां नजर आई। जाओ, नीचे उतर जाओ। ये क्या है? बेसमेंट है, तुम जैसे कुत्तों को कैद करने के लिए ये जगह बना रखी है, उसने भीजे स्वर में कहा। कुत्तों को? सोहनलाल के होठों पर व्यंग्य से भरी मुस्कान उभरी। चल नीचे, उसने कमर पर रखी रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। सोहनलाल जानता था कि उसका कमजोर शरीर इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूं ही कुछ करके वक्त से पहले मौत को बुलाना समझदारी नहीं थी। मुझे भूल मत जाना, खाना वगैरह देते रहना। फिक्र मत कर, उसने खा जाने वाले स्वर में कहा। खाने के साथ पानी के बदले कोका कोला दूंगा। भला हो तेरा, मुफ्त का माल मिलेगा, बिल भी नहीं देना पड़ेगा, उसने सोहनलाल को पुनः आगे धकेला। सिर झुकाकर सोहनलाल ने अलमारी वाले रास्ते में प्रवेश किया और मध्यम सी रोशनी में नजर आ रही सीढ़ियों से उतरने लगा। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। सोहनलाल सीढ़ियां उतर गया, मध्यम सी रोशनी थी वहां। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात थापर से हो गई। बातचीत के दौरान सोहनलाल को थापर से पता चला कि देवराज चौहान किस काम में व्यस्त है। देवराज चौहान दिन वाले मेकअप की अपेक्षा शाम को रेस्टोरेंट में नया मेकअप करके आया था कि कोई उसे पहचान न सके। वो दिन में भी आया था, चेहरे पर काले सफेद बालों की दाढ़ी और ऐसी विग सिर पर लगा रखी थी। वो 50 बरस के आसपास का व्यक्ति लग रहा था। रेस्टोरेंट में आते ही वो सीधा बार में पहुंचा था। भीड़ ज्यादा थी, ऐसे में बंसीलाल के उन आदमियों को ढूंढ पाना, देख पाना आसान नहीं था जो उसके इंतजार में वहां फैले बार में थे। बार में पहुंचकर देवराज चौहान ने हर तरफ नजर मारी। बैठने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। बार काउंटर पर जाकर उसने पेमेंट देकर बियर का मग लिया और एक तरफ खड़ा होकर छोटे छोटे घूंट लेते हुए उस दरवाजे की तरफ देखा, जिसके बारे में वो दिन में सोच कर गया था कि इस दरवाजे के पास ही बंसीलाल के बैठने की जगह होगी। उधर नजर पड़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ी। सोहनलाल को देखता रह गया देवराज चौहान। सोहनलाल हाथ में पैक थामे दरवाजे के पास मौजूद होटल के कर्मचारी के पास पहुंचा और उसे पिलाकर पुनः वापस बार काउंटर की तरफ चला गया। तीसरे मिनट ही वापस आया और पुनः पैक उसको पिला दिया। देवराज चौहान दिलचस्पी के साथ सोहनलाल की हरकत को देखता रहा। वो समझ नहीं पाया कि सोहनलाल ये सब क्या कर रहा है, लेकिन इतना जानता था कि सोहनलाल अवश्य किसी के फेर में है। और फिर आखिरकार कर्मचारी को स्टूल पर बैठते और सोहनलाल को दरवाज़ा खोलकर भीतर जाते देखा। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। वो सोहनलाल के बाहर आने का इंतजार करने लगा, बियर के घूंट भरता रहा। मग खाली हो गया तो उसे एक तरफ रख दिया। 15 मिनट बीत गए, सोहनलाल वापस नहीं लौटा। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि सोहनलाल को भीतर क्या काम हो सकता है कि जो उसे वापस आने का इतना वक्त लग रहा है।
वो कर्मचारी स्टूल पर बैठा दीवार से सिर टिकाए हुए था। सोहनलाल के भीतर जाने के बाद दो तीन लोग भीतर आए गए थे, परंतु किसी ने भी स्टूल पर बैठे कर्मचारी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। देवराज चौहान ने अपनी जगह छोड़ी और उस तरफ बढ़ने लगा। भीड़ बहुत थी, फिर भी वो इस बात का ध्यान रखने की चेष्टा कर रहा था कि किसी की निगाह उस पर तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था। सामान्य चाल से चलकर देवराज चौहान दरवाजे के पास पहुंचा तो स्टूल पर बैठा नशे में धुत कर्मचारी कह उठा, इधर नहीं जाना, ये नो एंट्री है। देवराज चौहान ने उसे देखा। वो तो गया, देवराज चौहान बोला। वो कौन जो तुम्हें पिला रहा था? वो तो मेरा यार है, तेरे को क्या? नशे में वो हाथ हिलाकर कह उठा। सोहनलाल तुम्हारा यार है? देवराज चौहान ने जानबूझकर नाम लिया। तुम जानते हो उसे? जानता? देवराज चौहान ने जानबूझकर हैरानी से कहा। वो तो मेरा भी यार है, हम इकट्ठे ही यहाँ आए हैं। मैं रेस्टोरेंट में चला गया और वो पैक मारने यहाँ आ गया। फिर तो बधाई हो तुम्हें, नशे में झूमता वो कह उठा। बधाई? अरे भाई, अपने यार सोहनलाल के जुड़वा बच्चे होने की, 10 साल बाद वो बाप बना है, एक साथ 2 बच्चों का। देवराज चौहान समझ गया कि सोहनलाल ने इससे किस तरह यारी गांठी, तभी तो खुशी में मुझे यहाँ ले आया खाने पीने के लिए। सुना है एक बार उसने भिखारी को 2.5 मंजिला मकान बनवा कर दिया। बनवा दिया होगा, बहुत पैसा है उसके पास। देवराज चौहान मुस्कुराया, ऐसे काम वो करता रहता है। मेरी सारी उम्र बीत गई, मैं आज तक मकान नहीं बना पाया, वो एक मेरे को बना देगा मकान? बात कर लेना, तुम सिफारिश लगा देना। जरूर, मैं जरा भीतर होकर। वो बंसी भाई के शानदार बाथरूम में गया है, अभी तक नहीं लौटा तो दूसरे काम में लग गया होगा। जाओ तुम भी बढ़िया बाथरूम का मजा ले लेना, कुछ हो जाए तो मेरे को मत कहना। क्या होना है? 15-20 मिनट पहले अपने बंसी भाई भीतर गए हैं, ऑफिस में होंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे को देखकर पहचाना नहीं कि मैंने पी रखी है। उसकी आवाज़ नशे में बहक रही थी। लगता है क्या मैंने पी रखी है? नहीं, जरा भी नहीं लगता। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं सोहनलाल के पास होकर आता हूँ। जाओ, बंसी भाई का ऑफिस कौन सा है? कहीं मैं दूसरी जगह ना चला जाऊँ। आगे जाकर बाईं तरफ का दूसरा दरवाज़ा है बंसी भाई का। देवराज चौहान दरवाज़ा धकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। गैलरी खाली थी। देवराज चौहान आगे बढ़ने लगा, हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर पहुंच गया। आंखों में शक्ति उभरी स्पष्ट नजर आने लगी थी। बारूम का मध्यम सा शोर कानों में पड़ रहा था। बाईं तरफ के दूसरे दरवाजे के पास पहुंचते ही देवराज चौहान ठिठका। गैलरी में अभी भी कोई नजर नहीं आया था। देवराज चौहान ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। इसके साथ ही भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बंसीलाल कुर्सी की पुश्त से पीठ टिकाए उंगलियों में फंसी सिगरेट के कश ले रहा था। चेहरे पर सोच के भाव थे। दरवाज़ा खुलते पाकर उसने फौरन उधर देखा। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान को भीतर आता पाकर उसकी आंखें सिकुड़ी। दूसरे ही पल फुर्ती के साथ उसने अपना हाथ टेबल के नीचे की तरफ बढ़ाया। कोई हरकत मत करना, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। हाथ रोको। बंसीलाल का हाथ रुक गया, नजरें देवराज चौहान पर ही रहीं। कौन हो तुम? बंसीलाल के होठों से कठोर स्वर निकला। यहाँ तक कैसे पहुँच गए? खड़े हो जाओ। देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। क्या? बंसीलाल की आंखें सिकुड़ी। तुम मेरे यहाँ आकर मुझ पर हुक्म चला? मैंने कहा है खड़े हो जाओ, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बंसीलाल देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखने के बाद उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर पर नजर मारते हुए खड़ा हो गया। चेहरा गुस्से से भरा पड़ा था। टेबल के इस तरफ आकर कुर्सी पर बैठ जाओ, देवराज चौहान ने उसी लहजे में कहा। तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। चुप रहो, जो कह रहा हूँ सिर्फ वही करो। देवराज चौहान का खतरनाक स्वर बेहद कठोर हो गया। आ जाने वाली नजरों से देवराज चौहान को घूरते हुए बंसीलाल टेबल के पीछे से निकला और उसके पास से होते हुए दूसरी तरफ वाली कुर्सी पर बैठते हुए सख्त स्वर में कह उठा। तुम्हारी आवाज़ से पहचान चुका हूँ मैं, तुम सुरेंद्रपाल हो, मैंने फ़ोन पर तुमसे बात की थी। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। वो बंसीलाल वाली कुर्सी पर जा बैठा, रिवॉल्वर हाथ में थी और रुख बंसीलाल की तरफ था। देर में पहचाना, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनते ही तुम्हें पहचान लिया था, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। बाहर मेरे आदमी तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, हैरानी है कि तुम बचकर यहाँ तक आ गए। हैरानी की कोई बात नहीं, तुम्हारे आदमियों की भी कोई गलती नहीं है, देवराज चौहान रिवॉल्वर उंगलियों में घुमाते हुए कह उठा। भीड़ में तुम्हारे आदमियों का धोखा खा जाना मामूली बात है, तुम बच नहीं सकोगे, बंसीलाल ने खतरनाक स्वर में कहा। मेरे बारे में शायद तुम ठीक से जानते नहीं कि तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने के बाद ही यहाँ आया हूँ, कहते हुए देवराज चौहान के दांत भीसते चले गए। तुमने दिव्या का अपहरण किया, उससे बलात्कार किया और
बहुत खूबसूरत थी वो। कहर भरे ढंग से वो मुस्कुराया। तुम उसे देखते तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी। वो उसकी गलती थी, मेरे पास मजे में थी, उसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब थापर तुम्हारी कैद में है? हाँ, उसी ढंग से मुस्कुराया बंसीलाल। तुम उसी के कहने पर मेरे पीछे पड़े हो, मोटा माल लिया होगा उससे। कहाँ है थापर? देवराज चौहान का चेहरा क्रूरता से भर उठा। मेरी कैद में मजे से है, उसकी चिंता तुम मत करो। दिन में तुम्हारे आदमी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। हाँ, मुरली की किस्मत खराब थी, तुमने निशाना ले लिया उसका। मुझे थापर के पास ले चलो, ये सब बात की बातें हैं। बंसीलाल जहर भरे ढंग से हंसा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? सुरेंद्रपाल। ये तुम्हारा असली नाम नहीं हो सकता। असली नाम बताने का अभी वक्त नहीं आया है। कब आएगा? जब तुम्हें शूट करूंगा, देवराज चौहान ने सर्द भरे स्वर में कहा। फिर वो वक्त नहीं आने वाला। बंसीलाल पहले वाले ढंग से हंसा। मतलब कि तुम्हारा असली नाम नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। अकेले हो या साथी भी हैं तुम्हारे साथ? साथी तो जरूर होंगे, शेर की मान में आने के लिए कुत्ते बिल्लियों के साथ की जरूरत पड़ती है। देवराज चौहान दांत बीचे कुछ कहने लगा कि तभी हवा की तेज झोंके की तरह दरवाजा खुला और रिवॉल्वर थामे नगीना नजर आई। दोनों की नजरें दरवाजे पर गई। नगीना को इस तरह सामने पाकर देवराज चौहान चौंका। तुम? उसके होंठों से निकला। पल भर के लिए नगीना भी ठगी सी रह गई। देवराज चौहान बंसीलाल के प्रति लापरवाह नहीं हुआ। नगीना ने फौरन खुद को संभाला और कह उठी, इसने बताया कि थापर को कहाँ कैद कर रखा है? थापर यहाँ बेसमेंट में कैद है। देवराज चौहान की खतरनाक निगाह पुनः बंसीलाल पर गई। तभी कदमों की आहट के साथ नगीना के पीछे रुस्तम राव की आवाज़ कानों में पड़ी। बाप अपुन है रुस्तम राव, दीदी यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं होला, अपुन को मालूम है थापर साहब किधर को है। नगीना फौरन पलटी, कदम उठाकर बाहर निकल गई। बाप, दरवाजे से रुस्तम राव ने देवराज चौहान को देखा। ये बहुत हरामी होला, संभालना इसे, अपुन थापर साहब को लेकर अब भी का भी आएला। इसके साथ ही दरवाजे से रुस्तम राव हट गया। दरवाजा बंद करो, देवराज चौहान ने रिवॉल्वर हिलाकर बंसीलाल से सख्त स्वर में कहा। बंसीलाल कड़ी मुस्कान के साथ उठा और दरवाजा बंद करके वापस कुर्सी पर जा बैठा। तगड़ी तैयारी के साथ आए हो? देवराज चौहान कुछ नहीं बोला, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, तुम लोग यहाँ से सलामत से बाहर नहीं निकल सकते। आना कठिन होता है, जाना नहीं। कोई भी काम करके निकल जाना बहुत आसान होता है, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। जाने के लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। एक रास्ता ऊपर को भी जाता है, बंसीलाल ने जहरीले स्वर में कहा। हाँ, वो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा है, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। कुछ देर ठहरो, अभी मालूम हो जाएगा। बंसीलाल का लहजा वैसी होने लगा। अपने दोनों हाथ टेबल पर रख लो, देवराज चौहान ने भीजे स्वर में कहा। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई शरारत करो कि मुझे वक्त से पहले तुम्हारी जान लेनी पड़े। खा जाने वाली निगाहों से देवराज चौहान को देखते हुए बंसीलाल ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख लिए। 10 मिनट के पश्चात ही रुस्तम राव ने दरवाजा खोलकर भीतर झांका। बाप, काम होएला? थापर साहब के साथ साथ सोहनलाल भी इधर से मिलेला। वो इधर को बंसीलाल की तिजोरी साफ करने आएला और बंसीलाल के हाथों फंसेला। देवराज चौहान का चेहरा कठोर था। जगमोहन किधर है? जगमोहन और बांके गैलरी के बाहर पहरे पर गएला है बाप। तुम सब चलो, यहां से निकल जाना, मैं बंगले पर पहुंच जाऊंगा, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। कोई रास्ता रोकने की कोशिश करे तो बोलना बंसीलाल रिवॉल्वर पर है। समझेला बाप? इसके साथ ही रुस्तम राव दरवाजे से पलट गया। देवराज चौहान की नजरें पुनः बंसीलाल पर गई। बंसीलाल अब व्याकुल सा नजर आने लगा था। तो तुम मेरा असली नाम जानना चाहते हो? बंसीलाल का चेहरा कठोर और आंखें पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी। देवराज चौहान? क्या देवराज चौहान? बंसीलाल के होंठ खुले। नाम है मेरा। बंसीलाल ना समझने वाले भाव से उसे देखता रहा, फिर चेहरे पर अजीब से भाव आए। एक देवराज चौहान तो डकैती मास्टर है, उसके होंठों से निकला। वही हूं मैं। बंसीलाल के चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आने लगे। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? मैं वही देवराज चौहान हूं जो तुम समझ रहे हो, देवराज चौहान शब्दों पर जोर देकर बोला। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे सामने देवराज चौहान बैठा है। खुद को अजीब सी स्थिति में महसूस करता हुआ बंसीलाल कह उठा, लेकिन तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी? पहले मुझे नहीं मालूम था कि तुम देवराज चौहान हो। थापर मेरा खास खास पहचान वाला है, ये भी मुझे नहीं मालूम था, बंसीलाल ने जल्दी से कहा। बात को यहीं पर ख़त्म करो। अगर थापर को मैंने कुछ कहा तो समझो अनजाने में कहा, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। दिव्या की वजह से थापर तुम्हारे सामने आया, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में बोला। तुमने दिव्या के साथ जो किया उसके बाद तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। थापर ने यह मामला मुझे निपटाने को कहा है। देवराज चौहान, तुम
खामोशी से बैठे रहो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा, वरना वक्त से पहले मर जाओगे। जगमोहन, नगीना, सोहनलाल, थापर, रुस्तम राव, बांकेलाल राठौर गैलरी पार करने के बाद बार से गुजरते हुए बाहर निकले। बार एंड रेस्टोरेंट के छोटे से रिसेप्शन हॉल में पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने घिरे जाने का एहसास हुआ। सब ठिठके, घिराव तंग होता चला गया। उन लोगों के चेहरे स्पष्ट नजर आने लगे। वो करीब 10 थे और इतने ही उन पर नजर रखे इधर उधर फैले थे। उन 10 में दोसा और बाटला भी थे। उनके हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वरों पर थे। इनके हाथ भी रिवॉल्वरों पर पहुंचने लगे। दोसा दो कदम उठाकर पास पहुंचा। सबको देखते हुए क्रूरता से मुस्कुराया तो टूटे दांतों की वजह से उसका चेहरा भयानक सा दिखने लगा। फिर उसकी नजरें थापर पर टिक गई। इतना आसान नहीं है यहां से निकलना जितनी आसानी से तुम निकल रहे थे। दोसा की आवाज में खतरनाक भाव थे। तुम लोगों के लिए तो हम यहाँ पीछे पड़े हैं। तू तो डूबा, इन्हें भी ले डूबा। थारी खोपड़ी पानी मड्डू बन जा रही हो, नजर नहीं आवे का। बांकेलाल राठौर का चेहरा सख्त था। बाटला पास आ पहुंचा और बोला, तुम में सुरेंद्रपाल कौन है? वो अभी अंदर है। जगमोहन व्यंग्य से मुस्कुराया। अंदर? बाटला की नजरें जगमोहन पर टिकी। हाँ, अंदर क्या कर रहा है वो? कहते हुए बाटला ने एक निगाह दोसा पर भी मारी। तारे बापों की मुंडी पकड़ो बैठो हो वो। क्या मतलब? बंसीलाल के पास है सुरेंद्रपाल। बंसी भाई आ गए क्या? दोसा के होंठों से निकला। हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो बंसीलाल जिंदा नहीं बचेगा, जगमोहन कठोर स्वर में कह उठा। बाटला और दोसा की नजरें मिली। रास्ता छोड़ो, जगमोहन पुनः बोला। बाटला अपने आदमियों को देखता कह उठा, इन पर नजरें रखो। यहां से जाने की कोशिश करे तो हथियारों का इस्तेमाल करना। सराफत से खड़े रहे तो इन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हम बंसी भाई से बात करते हैं। बाटला और दोसा भीतर की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश करते ही दोनों ठिठके। देवराज चौहान आराम से बंसीलाल की कुर्सी पर जा बैठा था और रिवॉल्वर बंसीलाल की तरफ कर रखी थी। बंसीलाल दूसरी कुर्सी पर मौजूद था, दोनों हाथों को फैलाकर टेबल पर रखा हुआ था। दोनों फौरन सारे हालातों को समझ गए। ये क्या हो रहा है बंसी भाई? बाटला के होठों से निकला। चेहरा सख्त हो गया। जो हो रहा है वो तो नजर आ ही रहा है, दोसा सुलग उठा था। बंसी भाई होंठ भींचे दोनों को देखने लगा। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे उनके प्रति भी सतर्क था। इसके साथियों को बाहर हमने घेर रखा है, बाटला बोला। क्या करना है? बंसीलाल ने बेचैनी से देवराज चौहान को देखा और फिर दोनों को। जाने दो उन्हें, वो थापर को छुड़ाकर ले जा रहे हैं, दोसा ने देवराज चौहान को घूरा। ले जाने दो, उन लोगों को कुछ मत कहना, बांकेलाल बोला। मैं फंसा पड़ा हूँ। चल बाटला। दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। देवराज चौहान, बंसीलाल धीमे स्वर में कह उठा, दिव्या के साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। मैं उसके बाप को इतना पैसा दे दूंगा कि सारी जिंदगी वो ऐश करेगा। मुझे मारकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। खामोश रहो, देवराज चौहान सर्द लहजे में बोला। दोसा बाटला और सब आदमियों के देखते देखते थापर के साथ वो सब बाहर निकल गए। कोई भी उनके पीछे नहीं गया। दोसा और बाटला के चेहरे गुस्से से सुलग रहे थे। बाटला, दोसा गुर्राया, जल्द ही सुरेंद्रपाल बाहर निकलेगा। जिंदगी भर तो वहां जमने से रहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बाटला ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। उसे यहाँ से बाहर निकल जाने देना, रेस्टोरेंट में कोई हंगामा नहीं करना है। दोसा की आवाज़ में वैसी भाव थे, यहाँ से जब दूर पहुँच जाए तब उसे खत्म कर देना है। चल, बाटला खतरनाक स्वर में बोला। उसकी गर्दन तोड़ने की तैयारी कर ले। मैं यहीं रहूँगा, जगमोहन बाहर आते ही बोला। जब तक देवराज चौहान बाहर नहीं आता वो खतरे में पड़ सकता है। हम भी यही सोचो, बांकेलाल राठौर ने कहा। दिन भर देवराज चौहान को ढूंढो पर वे नहीं मिलो हो। इब तो उसे नौखली में खोपड़ी दे दियो। हम भी जगमोहन के साथ यहीं ठहरो। ध्यान रखना कि देवराज चौहान को कुछ ना हो, थापर ने गंभीर स्वर में कहा। थापर साहब, मारे होते हुए आप फिक्र ना करो, हम अपनी जान दे दियो, सबको वर दियो, पर देवराज चौहान को कच्छो ना होने दियो। बांकेलाल राठौर का हाथ मूछ पर पहुंच गया। बाप, अपन भी इधर ही ठहरेला। मैं सोहनलाल और नगीना के साथ जा रहा हूँ, मुझे फोन कर देना कि सब ठीक है, थापर बोला। तभी नगीना कह उठी, मैं इनके साथ यहीं रुकती हूँ। नहीं बहना, बांकेलाल राठौर ने टोका, इब यहाँ पे थारी जरूरत ना होए, तुम थापर साहब के साथ जाओ। लेकिन, नगीना ने कहना चाहा। दीदी, रुस्तम राव ने कहा, बाके ठीक कहला है, इधर तुम्हारी जरूरत नहीं होएला। नगीना ने जगमोहन को देखा तो जगमोहन ने मुंह फेर लिया। वो समझ गई कि उसके यहाँ रुकने को कोई भी पसंद नहीं करेगा, जबकि वो भी उन जैसी ही लड़ाका थी। थापर सोहनलाल और नगीना के साथ कार में बैठकर चला गया। तीनों ने एक दूसरे को वहां फैली कम रोशनी में देखा।
हमें पोजीशन ले लेनी चाहिए, बंसीलाल के आदमी खामोश नहीं बैठेंगे, जगमोहन ने कहा। अपन भीतर जाकर देखेला बाप की। नहीं, उन लोगों ने हमारे चेहरे पहचान लिए हैं, भीतर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। ठीक बोलो हो जगमोहन, इधर उधर ही अंधेरे में ठिकानों खोज ले हो। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का छठा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।